नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम भोजपुरी हलचल में, जिसमें हम आपको बताते हैं इंडस्ट्री और स्टारों के बीच चल रही कुछ हलचल भरी खबरें, जो लेकर एक बार फिर से हाजिर हैं। पहली खबर जुड़ी है रितेश पांडे से, क्योंकि रितेश पांडे का एक वीडियो सॉन्ग सिर्फ 18 घंटे में 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने देखा है। ये गाना विशाल दुबे का बचपन का गाना है, जिसे रितेश ने बड़े होकर गाया है। इस वीडियो सॉन्ग में विशाल दुबे भी नज़र आ रहे हैं। हमेशा अपने वीडियो सॉन्ग के चलते रितेश पांडे चर्चा में रहते हैं। पियावा से पहले हमार रहलू बहुत अच्छा व्यूज़ था, पियावा से पहले हमार रहलू पार्ट टू वीडियो सॉन्ग के रूप में बहुत ज़्यादा सुना गया। अब ये तीसरा सॉन्ग है जिसे बहुत अच्छे व्यूज़ मिल रहे हैं। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि रितेश के दिमाग में जो सीन्स उमड़ते हैं, या फिर यूँ कह लें उनके साठगांठ जिस कोरियोग्राफर्स हैं, उन कोरियोग्राफर की तारीफ भी करनी पड़ेगी, क्योंकि गाने के हिसाब से वीडियो बड़ा उनका अच्छा आता है, जो लोगों को पसंद आता है। रितेश पांडे का एक ऐसा ही वीडियो सॉन्ग आया है गोरी तोड़ चुनरी बा लाल लाल रे, जिसे सिर्फ बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा लोगों ने देख लिया है। एक हलचल भरी खबर पवन सिंह से भी जुड़ी है, क्योंकि पवन सिंह की लाइफ की सबसे बड़ी फिल्म शपथ की शूटिंग कुछ ही दिनों बाद यानी 30 दिसंबर से शुरू हो जाएगी रांची में। शपथ फिल्म में पवन सिंह के साथ यामिनी सिंह पहली बार नजर आने वाली हैं। यामिनी सिंह ने कल्लू के साथ इंडस्ट्री में डेब्यू किया फिल्म पत्थर के सनम के जरिए, और अब वो शपथ फिल्म में नजर आएंगी। पत्थर के सनम फिल्म अभी सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हुई है, लेकिन शूटिंग पूरी हो गई है। शपथ फिल्म की शूटिंग शुरू होगी 30 दिसंबर से, जिसके लिए यामिनी सिंह भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। अगली जो खबर और हलचल, सबसे ज़्यादा हलचल वाली खबर है, वो सुनकर आप थोड़े से हैरान हो जाएंगे, क्योंकि खबर ये आई है कि शपथ फिल्म में सिर्फ यामिनी सिंह पवन के साथ नजर नहीं आएंगी, बल्कि पवन सिंह के काफ़ी सारे फैंस का रोल भी इस फिल्म में है। यहाँ तक कि आप लोग भी पवन सिंह के साथ इस फिल्म में उनका साथ दे सकते हैं, क्योंकि 30 दिसंबर से दो शेड्यूल में शूटिंग होगी, मॉर्निंग इवनिंग, जिसमें आप लोग पहुंचकर पवन का साथ इस फिल्म में देख सकते हैं। कोई भी इस फिल्म में काम कर सकता है, ऐसी खबरें आई हैं पवन के निजी सूत्रों से। और अगली खबर जो हम बताने जा रहे हैं वो कल्लू की फिल्म राज तिलक से जुड़ी है, क्योंकि राज तिलक के फर्स्ट शेड्यूल की शूटिंग जब शुरू हुई थी, काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में फिल्म थी, ये कहकर कि एक पारिवारिक फिल्म हो सकती है। और अभी कल्लू की सेकंड शेड्यूल की शूटिंग कंप्लीट हुई है, इसी का नाम राज तिलक है, जिसका एक गाना शूट किया गया है बीते दिन पहले। रजनीश मिश्रा भी वहाँ मौजूद थे। बहुत ही अच्छे तरीके से इस गाने को फिल्माया गया है, और अभी से ऐसा कहा जा रहा है कि ये गाना लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। निधि झा भी इस फिल्म के कुछ प्रमोशनल सॉन्ग में या हिस्सों में नजर आएंगी। अगली खबर जुड़ी है रवि किशन से। आप लोग जानते होंगे कि रवि किशन हमेशा अपने फैमिली मेम्बर का बर्थडे हो या फिर अपने एनिवर्सरी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। हालांकि वो पार्टी के जरिए किसी को इन्वाइट नहीं करते, लेकिन अपने परिवार वालों के साथ ही बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। रवि किशन का आज शादी की सालगिरह है, जहां उन्होंने प्रीति को बहुत ही अच्छे तरीके से विश किए हैं कुछ तस्वीरें शेयर करके। क्या कुछ लिखा है ये भी बताएंगे, साथ ही अभी तक जितनी खबरें बताई हैं उस पर विस्तार से एक नज़र डालीजिए। देखिए, भोजपुरी सिनेमा का सुपरस्टार बनने के लिए ऑलराउंडर होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि एक तरफ हमारी इंडस्ट्री के स्टार जहाँ अच्छा गाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी एक्टिंग भी दमदार है। जानकारी के लिए बता दें कि इंडस्ट्री के नए सुपरस्टार रितेश पांडे भी ऐसे ही कलाकार हैं, जिनकी एक्टिंग से ज़्यादा लोगों को उनके गायकी से उम्मीदें रहती हैं। तभी तो उनके गाने सोशल मीडिया पर खूब सुने भी जाते हैं। एक नया गाना उनके द्वारा गाया हुआ इन दिनों मार्केट में खूब बज रहा है। इस गाने के बोल हैं, गोरी तोड़ चुनरी बा लाल लाल रे, रोड पर चले लो कमाल चाल रहे। इस गाने का ऑडियो सॉन्ग के बाद वीडियो सॉन्ग भी लोगों के बीच आया है, जिसे एक दिन में 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने देखा और सुना है। इस गाने को हिट होने के बाद रितेश ने विशाल दुबे को खूब सारा धन्यवाद कहा, साथ ही अपने इस गाने के राइटर और सिंगर की जगह और क्रेडिट दिया है विशाल दुबे को। जाते जाते बता दें कि इस गाने में रितेश के साथ विशाल दुबे भी आखिरी में नजर आए हैं। गाने को देखने के बाद किसी ने गाने को वर्ल्ड फेमस गाना बता दिया है, तो किसी ने रितेश को सुपरहिट सिंगर बताया है। नेक्स्ट टू 9 न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह इन दिनों डायरेक्टर सुजीत कुमार सिंह की फिल्म क्रैक फाइटर की शूटिंग रांची में कर रहे हैं। इस फिल्म के तुरंत बाद पवन शुरू कर देंगे रांची में ही अपनी अगली फिल्म शपथ की शूटिंग। इस फिल्म में पहली बार यामिनी सिंह देने जा रही हैं पवन का साथ। लेकिन क्या आप जानते हैं, यामिनी शूटिंग से पहले ही पवन के साथ काम करने को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं। ये बात उन्होंने अपने इंटरव्यू में स्वीकारी थी। और
वो पवन के साथ इस फिल्म के बाद भी काम करना चाहते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि पवन सिंह खुद इस फिल्म के लिए खासा उत्साहित है, क्योंकि ये फिल्म पवन के लिए किसी ड्रीम प्रोजेक्ट से कम नहीं होगा। सत्या के बाद पवन को इस फिल्म से पूरी उम्मीद है कि ये फिल्म कमाल दिखाएगी बॉक्स ऑफिस पर। इसी के साथ एक खास जानकारी और है कि 30 तारीख से इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी जाएगी रांची में। पवन के कहने पर ही इस फिल्म की शूटिंग को जल्द शुरू किया जा रहा है। इस फिल्म में ऐसी खासियत है कि वो हर एक डेंजर सीन को जल्दी करना चाहते हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होने वाला है कि पवन इस फिल्म में जो रिस्क उठाने जा रहे हैं एक्शन सीन के दरमियान, वो लोगों को कितना पसंद आ पाता है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह की बम्पर हिट फिल्म क्रैक फाइटर के बाद अगली फिल्म शपथ, जिसकी शूटिंग आने वाले 30 तारीख से रांची में ही शुरू कर दी जाएगी। कहा जा रहा है कि अब तक के सबसे महंगे बजट की फिल्म बनाई जा रही है, बल्कि पवन के लिए ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट होने वाला है। इस तरह की फिल्म पवन ने पहले कभी नहीं की है। पवन के साथ इस फिल्म से एक नई हीरोइन भी नजर आएंगी, जिनका नाम है यामिनी सिंह। इस फिल्म में और भी कई सारे कलाकार हैं, उन कलाकारों में आप भी हो सकते हैं शामिल। अगर आप भी हैं पवन के फैन तो पवन के साथ इस फिल्म में कर सकते हैं काम। दरअसल पवन के करीबी सूत्रों से ये खबर मिली है कि पवन की फिल्म शपथ, उनके फैंस को मौका मिलेगा काम करने का इस फिल्म में। सोशल मीडिया पर ऐसा पोस्ट खूब शेयर किया जा रहा है। ये पोस्ट भी हम आपको पढ़कर बता देते हैं, जिसमें लिखा है, प्रोड्यूसर रोशन राजपूत, डायरेक्टर दीपक जौल, शपथ। ये फिल्म सिर्फ पवन जी या रोशन राजपूत की नहीं है, मेरी है, आपकी है, सबकी है। जी हाँ, पहले ऐसी फिल्म जिसमें पवन भैया के सारे फैंस को काम मिलेगा। और आप लोग सब कोई सेट पे आइए, 30 दिसंबर से रांची में 2 शेड्यूल का शूटिंग शुरू हो रहा है। ये फिल्म पवन जी के लाइफ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और इस फिल्म में उनका लुकिंग उनके सारे फिल्मों से टोटली डिफरेंट है, जो सीक्रेट है। शपथ, पावर स्टार पवन सिंह, रोशन राजपूत, दीपक जौल, नीलम शर्मा और पूरी टीम। तो देखा दोस्तों आपने, अगर आप भी पवन सिंह के साथ इस फिल्म में काम करना चाहते हैं तो एक बार ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, अगर आप भी रांची से ही हैं तो। नेक्स्ट टू 9 न्यूज़ भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। भोजपुरी फिल्मों के युवा स्टार और अपने गानों से बिहार के हर युवा वर्ग में खास जगह बनाने वाले हीरो अरविंद अकेला कालू की कई सारी फिल्में ऐसी हैं जो बनकर पूरी तरह से तैयार हैं और जल्द ही आप लोगों को सिनेमाघरों में देखने को मिलेंगी। हाल ही में युवा स्टार अरविंद अकेला कालू ने अपनी फिल्म की शूटिंग की है, जिसका नाम है राज तिलक। इस फिल्म की शूटिंग हो चुकी है पूरी, लेकिन बीते दिन पहले इस फिल्म का दूसरा गाना किया गया है बड़े ही धूमधाम से शूट। इस फिल्म से जुड़ी खास बात यह भी है कि फिल्म को अगले साल मार्च में होली के मौके पर किया जाना है। कल्लू के अपनी इस फिल्म से खुद उन्हें सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि उनका कहना है कि इस फिल्म में मैंने बहुत कुछ अलग कोशिश की है करने की। कल्लू को इस फिल्म को करने में काफी मजा आया है, आए भी क्यों ना। उनके साथ सेट पर इंडस्ट्री के जोली माइंडेड रजनीश मिश्रा जो मौजूद थे। वह जाते जाते बता दें कि कल्लू एक साथ 4 फिल्मों की शूटिंग इन दिनों कर रहे हैं। उनके इस मेहनत में हमेशा उनका साथ और सहयोग देते हैं उनके पिता चुनमुन चौबे, जो हमेशा कल्लू के साथ हर जगह दिखाई देते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। सुपरस्टार रवि किशन के लिए आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि आज वो डबल सेलिब्रेशन मनाने बैंकॉक पहुंचे हैं अपने परिवार के साथ। रवि किशन की शादी का आज 25वीं सालगिरह है, वहीं उनके बेटे सक्षम आज 12 साल के हो चुके हैं। इस डबल सेलिब्रेशन को लेकर वो काफ़ी उत्साहित हैं। इस डबल सेलिब्रेशन के लिए उन्हें बधाई देने वालों का सिलसिला भी सुबह से जारी है। उन्हें कई फ़ोन मैसेज कमेंट्स मिल रहे हैं। उन्होंने इसके लिए सभी का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद भी कहा है। रवि किशन का मानना है कि उनकी पत्नी उनकी ज़िंदगी में हर सुख दुख में साथ निभाती आई हैं। वो एक बेहतर पत्नी हैं, जिनके साथ उनका वैवाहिक जीवन बहुत खूबसूरती जर्नी की तरह चल रहा है। रवि किशन कहते हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे घर में वो नारी शक्ति की साक्षात उदाहरण है। बता दें कि आज ही के दिन रवि किशन और प्रीति शुक्ला परिणय सूत्र में बंधे थे। इसके अलावा ये डेस्टिनी था कि आज ही के दिन उनके बेटे सक्षम का जन्म हुआ था। रवि किशन ने कहा कि दुनिया को लगता है कि सिनेमा वाले लोगों की मैरिज लाइफ ठीक नहीं होती, ये बात गलत है। सिनेमा के लोग मैरिज लाइफ में भी भरोसा करते हैं, और जो मैरिज को संभाल कर चला वो आज सफल और पीसफुल लाइफ जी रहा है।
उन्होंने कहा कि शादी के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि पत्नी सिर्फ आपकी सुने, उसकी बातों को भी आपको सुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं करने से ही रिश्ते टूटते हैं। अपने काम में आप कितना भी बिजी हों, लेकिन आपको वाइफ, बच्चे, माता पिता के लिए समय देना ज़रूरी होता है। बता दें कि रवि किशन की वाइफ हाउस वाइफ हैं। रवि किशन के 3 बच्चे हैं। रवि किशन भोजपुरी फिल्म समेत हिंदी, साउथ की फिल्मों में भी काम करते आए हैं। इनकी फिल्म सन की दरोगा कुछ दिन पहले ही रिलीज हुई थी, जो महिला सशक्तिकरण पर बेस्ड थी और इसे खूब सराहा गया था। पते की बात तो यह है कि इस फिल्म को रवि किशन ने अपने होम प्रोडक्शन प्रीति शुक्ला के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया था। ये सब जानकारी प्रचारक संजय भूषण पटियाला ने दी है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। आज के भोजपुरी हलचल से जुड़े प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात ऐसे ही इंडस्ट्री और स्टारों से जुड़ी हलचल भरी खबरों के साथ। लेकिन तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।